हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात स्टेट के एमबीबीएस एडमिशन के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे कि गुजरात स्टेट में कितने कॉलेजें हैं और इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा व 85% स्टेट कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और इसकी ट्यूशन फीस क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। तो दोस्तों, गुजरात स्टेट में टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 6 हैं। इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट टोटल 1300 हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज 2 हैं और गवर्नमेंट बीडीएस की सीट 100 हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेज में। तो प्राइवेट और जीएमआर मेडिकल कॉलेज मिला के टोटल 18 कॉलेजेज हैं और इनमें 2700 सीट्स हैं। गवर्नमेंट सीट हैं इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में 2158 और मैनेजमेंट कोटा की 135 सीट है, एनआरआई की 407 सीट हैं। इसी प्रकार से प्राइवेट डेंटल 11 कॉलेजेज हैं और इनमें 1055 सीट है। इनमें जो गवर्नमेंट बीडीएस की सीट है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेज में वो 830 सीट हैं, मैनेजमेंट कोटा की 84 सीट हैं और एनआरआई की 141 सीट हैं। इसके बाद में हम बात करें इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो 15% ऑल इंडिया कोटा की बीजेएम से अहमदाबाद की बात करें तो ये टॉप की कॉलेज है गुजरात की। तो इसमें यूआर 620, एससी 505 और एसटी 470 कट ऑफ रह सकती है 2019 में। 85% स्टेट कोटा की बात करें तो यूआर 555, एसईबीसी 460, एससी 435 और एसटी 295 कट ऑफ रह सकती है 2019 में। इसके बाद में जीएमसी सूरत 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है यूआर 580, एससी 470 और एसटी 430। 85% स्टेट कोटा के लिए यूआर 510, एसईबीसी 380, एससी 365 और एसटी 250 कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद जीएमसी बड़ौदा की बात करें तो 15% कोटा के लिए यूआर 585, एससी 475, एसटी 435 और 85% स्टेट कोटा यूआर 525, एसईबीसी 400, एससी 390, एसटी 270 कट ऑफ रह सकती है। जीएमसी राजकोट की बात करें तो यूआर 565 15% कोटा के लिए, एससी 460, एसटी 430। 85% स्टेट कोटा के लिए यूआर 500, एसईबीसी 360, एससी 340 और एसटी 215। इसके बाद में जीएमसी भावनगर 15% कोटा के लिए यूआर 560, एससी 450 और एसटी 425। 85% स्टेट कोटा के लिए यूआर 470, एसईबीसी 355, एससी 335 और एसटी 210 कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में जीएमसी जामनगर की बात करें तो 15% कोटा के लिए यूआर 555, एससी 445 और एसटी 430। 85% स्टेट कोटा के लिए यूआर 475, एसईबीसी 370, एससी 335 और एसटी 210 कट ऑफ रह सकती है 2019 में। तो दोस्तों, ये तो थी कट ऑफ के बारे में जानकारी। अब एक नज़र इनकी ट्यूशन फीस पे डाल लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की काफ़ी कम ट्यूशन फीस है। एमबीबीएस की 6000 पर एनम है और डेंटल की बीडीएस की 4000 पर एनम है। इसके बाद में जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट हैं प्राइवेट कॉलेजेज में, उनकी 3 लाख से लेके 7,80,000 तक पर एनम है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है, तो ये 3 लाख से शुरू हो जाती है। मैनेजमेंट कोटा की इनमें जो सीटें हैं उनकी 8.5 लाख से 17,30,000 तक अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फीस है। इसके बाद में गवर्नमेंट बीडीएस की जो प्राइवेट कॉलेजेज में गवर्नमेंट सीट हैं बीडीएस की, वो 2 लाख से 4.25 लाख पर एनम है और इनमें मैनेजमेंट कोटा के लिए 2 लाख से 6,75,000 पर एनम फीस है इनकी ट्यूशन फीस। इसके बाद में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें प्राइवेट कॉलेजेज में जो गवर्नमेंट सीट हैं उनके लिए, ओपन कैटेगरी में 365 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, 365 मार्क्स। मैनेजमेंट कोटा के लिए 290 रह सकती है,
एनआरआई के लिए जितनी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं सभी का एडमिशन हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी गुजरात स्टेट के एमबीबीएस एडमिशन के बारे में, इन कॉलेजों की कट ऑफ सीट व ट्यूशन फीस के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। मिलते हैं नई जानकारी में नए वीडियो के साथ में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।